press the bell icon on YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रिक उर्दू हिंदी। दोस्तों, मैं आपका होस्ट इरफान, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, आज का दौर सेल्फीज़ का दौर है। आप लोग देखती हैं कि सेल्फीज़ के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, और सेल्फीज़ बनाने के कितना क्रेज़ होता है उन्हें। तो दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन आप अपनी सेल्फीज़ को इतना अच्छा बना सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि आप इतनी दूर जाके इस पिक्चर को बना के लाए हैं। तो दोस्तों, आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और सामने दी गई घंटी को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें। तो जो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलता हूं। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सेल्फीज़ को हम कैसे अपना अच्छी से अच्छी सेल्फ़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए हमने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करके हम लोगों ने सेल्फी ऐप सर्च करनी है। आप ये आइकन देख रहे हैं, हमने इस आइकन वाली सेल्फी को डाउनलोड करना है। अभी ये नई नई एप्लीकेशन है, इसलिए कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। 50,000 इसके डाउनलोड्स हैं, 3.9 की अच्छी रेटिंग जा रही है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि मतलब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। आए दोस्तों, हम आपको लाइव इसको यूज़ करके दिखाते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जब हमने ओपन किया है तो आपके सामने ये इसका खुल देना है। तो आपने सबसे पहले इसको स्किप कर देना है, उसके बाद आपने देखना है ये मैप आ गया है। मैप में से आपने लोकेशन आपने देखनी है कि आप कहाँ पे इसको मतलब रखना चाह रहे हैं, कहीं पे भी कोई पिक्चर आप रखना चाह रहे हैं, कोई भी आप रेंडम सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप देख रहे हैं, मैं एक पिक्चर बना ली है। तो पिक्चर बनाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड अच्छा सा देना चाह रहा हूँ। तो आपने इस पुल डाउन को क्लिक करना है। पुल डाउन को क्लिक करने के बाद थोड़ा इसने टाइम लेना है, क्योंकि अभी मैंने पिक्चर बनाई नहीं हुई है, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया है, यहाँ पर हम लोग पिक्चर लेते हैं। दोस्तों, ये मेरा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पिक्चर नहीं बन सकती। यहाँ पे लोकेशन क्योंकि मेरा फ़ोन स्क्रीनिंग पे ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो सेल्फी सही तरह से लेके नहीं दिखा रहा है। तो आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन कोई भी सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सेट करने के बाद आपने कस्टम पे जाना है। कस्टम में जाके आपने पिक्चर बनानी है, सेल्फी कोई भी सेल्फी बना के आप उसके बैकग्राउंड को, आपको मैंने बताया पुल डाउन की ऑप्शन आएगी, पुल डाउन को आपने क्लिक करना है और आप वहाँ पर अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अपने प्यार का इजहार आप हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारी एप्लीकेशन आपको कैसी पसंद आई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये भी एप्लीकेशन पसंद आएगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। जो दोस्त एंजॉय करें वो अपना अपने बारे में बताइएगा हमें, आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।